सुप्रभात सभी को, आप सबका स्वागत है कलरफुल ग्रीन्स में। ये मेरे कुछ इंडोर प्लांट्स हैं, पॉलिश प्लांट्स, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स हैं। तो मेरे डोर की लेफ्ट साइड में भी है कुछ प्लांट्स, मेरे इंडोर प्लांट्स, कुछ प्लांट्स मैंने वाटर में लगा रखे हैं। पर आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत से विंटर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं साइक्लमिन। यह है साइक्लमिन का प्लांट, इसको मैं विंटर क्वीन भी कहता हूँ इसकी खूबसूरती की वजह से। इसका फूल देखिए आप, कितना खूबसूरत सा फूल आता है इसका। और ये पेरिनल प्लांट है, मतलब ये रीग्रो हो जाता है नेक्स्ट ईयर अपने आप। इसकी पत्तियाँ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ये प्लांट। कभी कभी ये सस्टेन भी रहता है, पर ऑलमोस्ट कई टाइम पर ये ख़त्म हो जाता है पूरा प्लांट। पर ये रीग्रो हो जाता है क्योंकि ये ट्यूबर्स होती हैं इसमें नीचे। पर आपको ध्यान देना है कि इसको आपको पानी बिल्कुल नहीं देना। जब इसकी पत्तियां ख़त्म होने लग जाए, इसमें फ्लावर्स आना बंद हो जाए, तो इसको बिल्कुल एक कूल एरिया में ले जाके आप रख दीजिए बिना फ्लावरिंग के, बिना वाटरिंग के। और नेक्स्ट ईयर आप सितंबर अक्टूबर के टाइम पर इसमें पानी डालना शुरू कर दीजिए, तो ट्यूबर्स से अपने आप इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इसके फ्लावर्स हैं ये इस तरीके से नीचे बनते हैं और ये ऐसी डंडी इसकी ऊपर को आ जाती है। ये है नेटिव है ये यूरोपियन कंट्रीज़ का प्लांट, और आपको इसको बहुत केयर करनी पड़ती है इस प्लांट की। ये प्लांट को चाहिए, मान लीजिए आप सुबह की आप इसके थोड़ी सी धूप दे सकते हैं, और उसके बाद इसको आप रखिए जहाँ पर ब्राइट लाइट आती है आपकी। इसकी जो मिट्टी है, मिट्टी आपको बनानी है ऐसी जो बिल्कुल पोरस मिट्टी हो, पानी उसमें रुके नहीं। पर जब ये रीग्रो कर रहा होता है जिस टाइम पे, तो इसको मॉइस्चर बहुत सारा चाहिए होता है। तो आप कोशिश करिए कि इसके ऊपर स्प्रिंकल करें वाटर का, पर फूलों के ऊपर मत करिएगा। इसकी स्प्रिंकलिंग करनी है आपने इसकी सिर्फ पत्तियों के ऊपर और थोड़ी मिट्टी के ऊपर। तो अब कैसा लगा आपको मेरा ये प्लांट, और अगर आप भी इस प्लांट को ओन करते हो तो मुझे बताइएगा अपने एक्सपीरियंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।